ईश्वर शब्द के बारे में, ईश्वर शब्द के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि संपूर्ण ब्रह्मांड का अस्तित्व ही ईश्वर है। तो व्यक्ति नहीं पूजा है, तो व्यक्ति नहीं ऊर्जा है, ऊर्जा जो व्यक्ति नहीं ऊर्जा है। जबकि ईश्वर की प्रचलित मान्यता अथवा ईश्वर शब्द है, मैं समझता हूँ ईश्वर शब्द जो है वह अज्ञान की उपज है। ईश्वर शब्द से लोगों को बड़ा प्रेम है, डर है, भय है। समाज की लूट करने वाले ईश्वर के नाम पर लूट करते हैं ईश्वर के, क्योंकि ईश्वर तो शब्द है। ईश्वर संपूर्ण ब्रह्मांड का अस्तित्व है, मैं मानता हूँ। ईश्वर जो है जो व्यक्ति नहीं है, ईश्वर ऊर्जा है। ऊर्जा, ऊर्जा की कठिन व्याख्या करना पड़ता है, लेकिन वो ऊर्जा समस्त प्राणी जगत और समग्र ब्रह्मांड में व्याप्त है, वही ईश्वर है। हालांकि ईश्वर शब्द जो है वो शब्द ही अज्ञान की उपज है, मानता हूँ। इतनी बातें मैं कहना चाहता हूँ। और ये माया क्या है? माया क्या है बताइए। मन हानि की बात नहीं, बताइए माया क्या है और ईश्वर क्या है? ईश्वर क्या है? मैंने तो कह दिया। तो माया क्या है? और माया के बारे में जो दार्शनिक है, जैसा आदमी है, स्वामी स्वामी प्रबंध जैसा आदमी है, वही माया की व्याख्या कर सकता है। वैसे लोगों में माया की व्याख्या करते हैं कि मेरे जैसा आदमी माया की व्याख्या नहीं कर सकता। मैं आधारित पुरुष नहीं हूँ, मैं योगी नहीं हूँ, मैं आधारित पुरुष नहीं हूँ। मैं इतना ही कहूँगा कि संपूर्ण ब्रह्मांड का अस्तित्व है, वही ईश्वर है। नहीं तो मैं ये कहता हूँ, हाँ तो अच्छा एक बात ना, ठीक ठीक।